हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं कि आपको आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस फॉलो होगी, और जो पहले से तैयारी स्टार्ट कर बैठे हैं उनके लिए भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, जो आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि जो इसका प्री एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं वो आपको पता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपको कैसे इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी, सबसे पहले आप जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ब्रशअप करें, उनके बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद मॉक्स में आएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, एडिटोरियल उसमें रीड कर सकते हैं। उससे आपको एक तो जो ये न्यू क्वेश्चंस है, न्यू वोकैब है, वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, उन वर्ड्स को नोट डाउन करिए आप, उनमें जो आपको नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करिए, किस कंटेक्स्ट में वो यूज होंगे आप वो देखिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बेसिक ग्रामर जो है आप उसको ब्रशअप कर सकते हैं। अपना कोई भी बेसिक एक ग्रामर ले लो, उसमें बेसिक ग्रामर रूल्स को गो थ्रू करो, और जो आपके ग्रामेटिकल रूल है उसको आप ब्रशअप कर सकते हैं किसी भी बेसिक एक ग्रामर से। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप डेली बेस पे क्यूज लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज क्यूज आते हैं प्रैक्टिस मॉक की साइट पे और ऐप दोनों में, डेली क्यूजेस और मिनी मॉक्स आते हैं, आप उनको लगा सकते हैं। जब आपकी ये तैयारी खत्म हो जाएगी, आपको लगता है कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिकल जो टॉपिक्स हैं आप सब कवर कर चुके हैं, उसके बाद आप मेन मॉक्स लगाएंगे, जो प्री के मॉक्स हैं वो लगाएंगे, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। नंबर टू आता है हमारा क्वांट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक जो टॉपिक्स हैं उसको गो थ्रू करना है, जैसे कि उसमें आता है अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, उसके लिए आप बेसिक बोर्ड मार्क्स के रूल्स पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन उसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका नंबर सीरीज आती है, नंबर सीरीज के लिए आप डिफरेंट पैटर्न्स देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्यूज में मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस मॉक पे, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपके आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें आप बेसिक रूल्स देखिए क्या क्या उसमें फैक्टर्स बनते हैं, उसको आप जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें आप उसको उसमें मास्टरी हो जाएगी आपकी। अब उसके बाद आता है टॉपिक्स आते हैं, उसमें आपके टॉपिक्स आएंगे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एजेस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहले आप उनके बेसिक कंसेप्ट पढ़िए कि उसमें कौन से फॉर्मुलाज यूज होते हैं, कौन से कंसेप्ट हैं, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको सीखेंगे। उसके बाद फिर आप डीआई सेक्शन में आइए, डीआई सेक्शन में जो बेसिक चार्ट्स यूज होते हैं, पाई चार्ट यूज होता है, बार ग्राफ यूज होता है, लाइन ग्राफ यूज होता है, टेबल यूज होता है, तो इन ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन हुई है डाटा की उसको आप देखिए कि उससे आप कैसे डाटा एनालाइज करोगे और क्वेश्चन में यूज करोगे। तो ये तो हो गया आपके टॉपिक्स जो आपने कवर कर लिए। इसके बाद आप मिनी मॉक्स दीजिए, टॉपिक वाइज क्यूज दे दीजिए, और लास्ट में आप मेन मॉक्स दीजिए, प्री का मॉक देंगे, उसमें आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा रीजनिंग का, तो रीजनिंग सेक्शन में आप बेसिकली सेम आप करेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पहले उनके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आता है सिलोगिज्म आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, इनइक्वालिटीज आती हैं, पजल्स आती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आती हैं, तो आप इनके पहले बेसिक कंसेप्ट देखिए कि इसमें इन टाइप के क्वेश्चंस में कैसे कैसे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो इसके बाद आप फिर पर्टिकुलर टॉपिक का क्यूज लगाएं, टॉपिक वाइज क्यूज में जाके मिनी मॉक्स लगाएं, और फिर एंड में जाके सेम आप जब मॉक्स देंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने और कैसे सॉल्व करने हैं। सो ये आपकी यहाँ पे तैयारी हो गई प्री एग्जामिनेशन की, जिसमें आपके इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग कवर होता है। बट अगर हम बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी प्री कवर कर लेते हैं, प्री क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे जीए की, बट ये गलत है, आपको फोकस करना है मेन एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको जीए अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अभी से डेली न्यूज पेपर स्टार्ट करेंगे तो उससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका इंग्लिश सेक्शन भी उससे इंप्रूव होगा, सेकंड आप डे टू डे जो न्यूज आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, तो आप उनसे अपडेट रहेंगे। फिर आप जीए सेक्शन के लिए डेली न्यूज पढ़िए न्यूज़पेपर से, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस मॉक में डेली वीकली क्यूज आते हैं, वीकली
पीडीएफ आती हैं, आप उनको लगाएं और फिर एंड में मंथ एंड में एक बजूका आती है, आप उस पर गो थ्रू करेंगे तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जो एक क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और इसका आंसर ये होना चाहिए। और जब मंथ जब एग्जाम नजदीक होगा तो प्रैक्टिस मॉक 500 प्लस क्वेश्चन प्रोबेबल निकालते हैं, आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आपके माइंड में एक सेट रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से जीए की तैयारी कर पाएंगे। और लास्ट में जब एग्जाम लगाओगे, मॉक्स लगाओगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि आपको कैसे रियल एग्जाम में उसको सॉल्व करना है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। सो डिस्क्रिप्शन लिंक में एक IBPS PO प्री का फ्री टेस्ट का लिंक है, आप उसमें टेस्ट लगाएं, अपनी इवेल्यूशन करें कि आप कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।